नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मेट्रो में हर रोज सफर करने वाले 25 लाख से ज्यादा लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इस रेल नेटवर्क की शुरुआत रेड लाइन के 1.2 किलोमीटर लंबे खंड से हुई थी और उस वक्त उसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वाजपेयी ने 24 दिसंबर 2002 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम के सबसे पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिससे दिल्ली का एक बड़ा सपना पूरा हुआ था। इस उद्घाटन अवसर पर दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, उप मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री अनंत कुमार, डीएमआरसी के प्रमुख ई श्रीधरन और मेट्रो के अध्यक्ष मदन लाख खुराना भी मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी ही दिल्ली मेट्रो के पहले यात्री थे। उन्होंने मेट्रो स्टेशन से मेट्रो का टिकट खरीदा और फिर कश्मीरी गेट से सिलमपुर तक का सफर किया। एक अधिकारी ने बताया, वाजपेयी और अन्य मेहमान कश्मीरी गेट में ट्रेन में चढ़े थे और सिलमपुर में उतरे थे। बाद में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर ट्रेन सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया था।